एक नजरिया है सभी का, कोई किसी विचारधारा से जुड़ा है और वो इसी वजह से उस विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में सोचता है। पत्रकार की जरूरी है कि दृष्टि जो है वो थोड़ी सी निरपेक्ष रहे। क्या आपको लगता है कि सचमुच एक स्तर का, जैसे कि एक बहुत गंभीर बात राधेश्याम जी ने बताई कि छात्रों को बाकायदा उनकी फीस भरकर एक विचारधारा विशेष और एक विचार विशेष को रोपित करने के लिए और उस विचार से दूसरों को प्रभावित करने के लिए, तो इस वैचारिक षड्यंत्र से समाज, क्योंकि बम है तो फूटेगा दिखेगा, उससे होने वाला नुकसान भी दिखाई देगा, लेकिन विचार का बम अगर कहीं रोप दिया गया तो उससे होने वाला विध्वंस जो विनाश है वो कहां और कैसा असर करेगा ये जानना भी मुश्किल है। और जितनी बड़ी साजिशों की यहां बात की गई, क्या आपको लगता है सचमुच ये मामला उतना ही गंभीर है? यदि भाई देखिए, आज हर व्यक्ति एक टारगेट पे चलता है और हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए संगठन, चाहे वो NSI हो, चाहे RSS की बात करें, चाहे AVP की बात करें, सभी अपने टारगेट पे चलती हैं और जो नए युवा हैं उनको ही टारगेट किया जाता है, क्योंकि अभी जमाना युवाओं का है, युवाओं के हाथ में आगे देश की बागडोर रहेगी। तो बड़ा प्लांड वे में, दूसरा जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इस देश में, हर युवा को अपने नंबर बहुत जल्दी बढ़ाना है। जिस तरह युवाओं को पैसे कमाने की बहुत जल्दी है, वैसे ही राजनीति में उनको मुकाम पाने की बहुत जल्दी है, उसको देखते वो किसी हद तक भी जाना चाहते हैं। मेरा ये कहना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हो, RSS हो, संघ हो, क्या इन्हीं का ठेका है? भारत माता की जय बोलना तो ये बोलेंगे तो ही बोलेंगे। आप बाकी देशों में जाते हैं, विदेशों में इतनी यात्राएं करते हैं, विदेशों में हम देखते हैं, तो वहां हम जब लोगों से पूछते हैं कि यार आपको अपने देश से कितना प्यार है, तो बड़ा उनका सिंपल सा एक ही आंसर रहता है कि हमें इस देश में, हमको ये मिला है, इतना डेवलपमेंट हुआ है, ये चीजें मिली, इसलिए हमें देश पसंद है। हमारे यहाँ अंदर क्या कहा जाता है, क्या डाला जाता है कि आप तो भारत माता की जय बोलिए, मतलब एक आदमी को उकसाने वाला जो काम राजनीतिक पार्टियां कर रही है, मैं पर्टिकुलर एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तमाम पार्टी की बात कर रहा हूं, जो एजेंडा के रूप में काम कर रही है, वो हमारे देश में आने वाले युवाओं के लिए बहुत बड़ा हानिकारक साबित होगा। रिजल्ट इसके बहुत बहुत गंभीर परिणाम, इतने नेगेटिव रिजल्ट आएंगे कि हमें आने वाले समय में 10-20 साल बाद ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे को इस कॉलेज में, इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने भेजे कि नहीं भेजे। एक गंभीर सवाल उठाए कि क्या केवल ठेकेदारी है और क्यों हम आपसे भारत माता की जय बुलवाते हैं। राजेश भाई, मैं जानना चाहता हूं, जो इन्होंने भी सवाल खड़ा किया है, ये बात ठीक है कि चूंकि वर्तमान स्वरूप जो है भारत का, वो स्वाधीनता संग्राम जो हुआ, हमने अंग्रेजों की दास्ता से मुक्ति पाई और उसके बाद आया है, और वो जो गुलामी से हम लड़े तो उसमें राष्ट्र राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए लड़े और उस राष्ट्र राज्य को हासिल किया, इसीलिए उस तरह का राष्ट्रवाद हमारे विचारों में अब बहुत लंबे समय भी नहीं हुआ आजादी को है, लेकिन क्या वो कुछ लोगों की ठेकेदारी है, पहली बात। और दूसरा, केवल भारत माता की जय कह देना ही राष्ट्रवाद है क्या? देखिए जयदीप जी, जो हरीश भाई ने बात कही, मैं मूलतः जिम्मेदारी उन पे डालता हूं। किस नाते से? आपने कहा कि राष्ट्रीय राष्ट्रवादिता की जिम्मेदारी क्या की पार्टी की है, ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? गुरमेहर जिसने ये बयान दिया, उसकी योग्यता क्या है? 125 करोड़ लोगों में कोई भी बात कह देगा, उसके ऊपर पूरे देश में बवाल आ जाए और राष्ट्रीयता प्रश्न चिन्ह पे आ जाए, ये क्या उचित है? अगर राजेश अग्रवाल एक पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता, वो अगर मनमोहन सिंह के बारे में कुछ कहेगा तो कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया उसको लेने वाला नहीं है। गुरु मेहर की उसका क्वालिफिकेशन क्या है कि उसने, वो एक शहीद की बेटी है, पर क्या ये कोई क्वालिफिकेशन है कि उसकी एक बात के ऊपर से पूरे देश में भूचाल आ जाए और हमको इस बात के लिए टोकना पड़े? देखिए, दुर्भाग्य से आज़ादी के 67 सालों में जिस तरह की पार्टी ने राज किया है, एक नई परंपरा बन गई है कि आधुनिकता बनाम ये हुआ कि हमें विचारों के अभिव्यक्ति है, देश को भी कोसें, अफजल को भी सराहें, कन्हैया को भी माथे पे बिठाएं, ये एक फैशन बन गया है। हमने मान लिया है कि आधुनिकता का परिचय क्या है, कि हमको बोलने की आज़ादी है, हम कन्हैया को भी माथे पे बिठाएंगे, हम अफजल के नारे वालों को भी हम समर्थन दे सकते हैं, क्यों? कि हमको बोलने की आज़ादी है। अरे आप सोचिए, मीडिया आपके पास है, आपकी जिम्मेदारी है, ऐसी बातों को कुचला जाना चाहिए, और जब इस बात के ऊपर कुचल जाने के लिए कोई संगठन आगे आता है तो आप बोलते हैं उन्हें ठेका ले रखा है क्या? अरे ये हर व्यक्ति, ये 125 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, आपको एहसान मानना चाहिए कि वो संगठन सामने आके उस बात की रक्षा करते हैं। नहीं तो आज तो ये हो गया है कि भारत में शांति की कीमत एक ही है कि तुष्टीकरण की नीति को अपनाते जाओ तो आप शांत रहोगे, कि आपने बाबरी ढांचा ढहा तो देश में भूचाल आ जाएगा। शांति की कीमत एक ही है कि जो हो रहा है तुष्टीकरण की नीति को बर्दाश्त करते जाओ, और वही हमारी शांति की कीमत है। अगर हम उसको बर्दाश्त न करें तो भगवाकरण हो गया, वो हमारा राष्ट्रीयता के ऊपर हम लड़ाई करें तो भगवाकरण हो गया। जी हाँ, हमने ठेका लिया है, उसको अगर आप भगवाकरण कहें, राष्ट्रीयता को, मैं अटल जी की एक लाइन थी, इंदौर में आए थे दी देन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा हमारी राष्ट्रीयता उदात्त एवं प्रखर होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? उसको अगर कोई बात कहता है तो हम उसको दक्यानुसी मान लेते हैं कि ऑर्थोडॉक्स है,
कि हम तो सर्वे भवन तो सुखिना सर्वे सम तो यही अटल जी ने भी कहा था राजेश भाई, वो सब बात समझ गया मैं। अग्रवाल जी आपके पास आना चाहता हूं, इसका आज की तारीख में भी आप बताइए मुझे कन्हैया किसने जन्म दिया, क्या अग्रवाल जी आपसे एक सवाल ये है कि ये सवाल इसमें गंभीर बात ये है, आज की तारीख में इस परिचर्चा को ठीक शुरू करने के पहले मैंने एक लाइव वीडियो क्लिप देखा है एनडीटीवी पर कि जेएनयू के कैंपस में अभी भी राष्ट्र के विरोध में नारे, क्या ये ठीक है कि देश के एक विश्वविद्यालय में, और वो ठीक कह रहे हैं फिर क्यों, क्यों कोई संगठन अगर वो मानता है कि ऐसे नारे नहीं होना चाहिए उसके खिलाफ खड़ा क्यों नहीं होगा, गुरमेहर केवल एक बहाना है उसका। आपकी बात का समर्थन करता हूं, किसी भी शैक्षणिक परिसर में जो है वो राष्ट्रीय विरोधी वातावरण जो है वो नहीं बनना चाहिए, और छात्र शक्ति का जो उपयोग है वो इस काम के लिए नहीं करना चाहिए, कम से कम शिक्षण संस्था को तो उससे बचा के रखें, ये मेरा है। दिव्य जी एक बात और बताइए, एक दिलचस्प सवाल आया है, हम पवन से भी बात लूं, पवन आप बताइए चलिए, क्या इसमें एबीवीपी की जगह एनएसयूआई लिखा होता उस पोस्टर में तो भी ये विवाद इतना ही बड़ा होता? बिल्कुल नहीं, मैं पहले कुछ चीजें बताना चाहता हूं, जहां तक भगवाकरण की बात हो रही है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भगवा है, उसने बोला था कि आप जब एंटरटेनमेंट के लिए आप जब सिनेमा हॉल में जाएंगे तो आपको नेशनल एंथम के लिए रिस्पेक्ट में खड़ा होना होगा, उसके खिलाफ बहुत लोगों ने उसका अपोज किया, तो हम ये माने कि हमारा सुप्रीम कोर्ट भगवाकरण हो गया है। मैं कोई छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जब हम भारत माता की जय की चैंटिंग करते हैं तो वी फील वेरी गुड, वी फील प्राउड, है ना, तो उस तरीके से वो लोग जब भारत विरोधी नारे लगाते हैं तो उसके अंदर राष्ट्र विरोधी भावना भी आती होगी, उस बात को आप सहमत हैं। दूसरी बात, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, अगर मैं यहाँ पे इस डिबेट में नलिनी जिसने राजीव गांधी की हत्याकांड में जिनकी शामिल थी, अभी कुछ एक शायद ध्रुव सक्सेना नाम है वो व्यक्ति अभी पकड़ा गया है, ISI का एजेंट है, उसके ऊपर चार्ज चल रहा है, अगर मैं इन दोनों को इस डिबेट में अगर यहाँ पार्टिसिपेट करने बुलाता तो आप में से कितने लोग यहाँ पे रुकते, इस बात का मुझे जवाब दीजिए। तीसरी बात, हम सब गुरमोहर कौर की बात कर रहे हैं, हमने बबीता फोगट की बात क्यों नहीं की जिसको जावेद अख्तर ने एक अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी महिला कहा, क्योंकि वो वुमेन हमारे देश के लिए कॉमनवेल्थ में मेडल लेके आई, गुरमोहर कौर ने हमारे लिए कुछ नहीं किया, वो अपने पिता के नाम का यूज कर रही है। उसके बाद जैसे सर ने कहा कि जो IIM और IITs हैं वो सफेद हाथी हैं, सर सफेद हाथी के लिए 6 लाख 8 लाख रुपए बच्चा फीस देता है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 2-2 साल से IIT IIMs के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सफेद हाथी नहीं है। अगर मैम ने जैसा कहा कि वो मार्केट ओरिएंटेड है तो इस तरह JNU और रामजस जो है वो पॉलिटिकल ओरिएंटेड है, ठीक है। और उसके बाद जहां तक मैम ने बोला इक्वालिटी की बात है, तो सबसे ज्यादा इनइक्वालिटी अगर इस वर्ल्ड में है तो वो चाइना और क्यूबा जैसी कंट्रीज में है, जो खुद साम्यवाद है, जो खुद कम्युनिस्ट है, वहां खुद में इनइक्वालिटीज है, आप जमाने भर के इंडेक्स उठा के देख लीजिए, हर जगह वहां पे इनइक्वालिटीज है। अर्जुन राठौर जी हमारे पास, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, आपके पास भी आऊंगा मैं, एक एक विचार सबका इसलिए लेना चाह रहा हूँ, समय थोड़ा कम है, हैथवे पर और वेब दुनिया पर जो लोग यहाँ नहीं मौजूद हैं वो भी इस बहस से सीधे जुड़े हुए हैं। ये विचारधाराओं की लड़ाई तो बहुत बड़ी और पुरानी है, साम्यवाद तो हमने देखा कि जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया, फिदेल कास्त्रो तो अब रहे ही नहीं जो साम्यवाद का झंडा उठाकर, उमा शशि जी के पास भी मैं आऊंगा, दो दो मिनट एक एक मिनट सभी, आप अपनी बात रख दें, फिर सभी से जो लोग नहीं बोल पाए फिर जो दोबारा बोलना चाहते हैं, बहुत संक्षिप्त समय अब हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है। मेरा ये कहना है कि किसी भी शहीद की जो शहादत है उसका कितना बाजारीकरण होना चाहिए और कितना राष्ट्रीयकरण, ये भी एक बहस का मुद्दा हो सकता है। बहुत बहुत अच्छी बात की। उमा शशि जी हैं हमारे पास, महापौर हैं इंदौर की पूर्व, और अपने स्वतंत्र ख्याल इस मुद्दे पर रखती हैं, आपके एक महिला भी इससे जुड़ी है, एक 20 साल की बच्ची है, युवा है, उसने कोई बात कह दी कि मैं इस छात्र संगठन से नहीं डरती, ठीक है वो कह सकती है, अगर उसको डर लगा और उसने कह दिया कि मैं नहीं डरती, बात खत्म हो जानी चाहिए। उमर खालिद का जहां तक सवाल है बुलाया जाना, वो परिचर्चा तो स्थगित हो ही गई थी, रद्द कर दी गई थी, उसके बाद इस बहस का इस स्तर तक पहुंच जाना, फिर उसमें जावेद अख्तर जैसे लोगों का शामिल हो। और एक आखिरी में विचार प्रकाश जी आपसे लूंगा, आप सोशल मीडिया का भी चूंकि करीब से अध्ययन करते हैं, सारे ट्वीट भी आपने देखे, ये जावेद अख्तर और योगेश्वर दत्त और बबीता फोगट के बीच में जो कुछ चला उस पर भी आपकी राय जानना चाहूंगा। उमा शशि जी, नहीं जहां तक वो महिला है उसने अपने विचार रखे वो वहां तक तो सही थे, और विचार रखने की स्वतंत्रता सबको है, परंतु अगर राष्ट्र विरोधी जिस प्रकार वो उमर खालिद की बात सुन रही थी और उसको सपोर्ट कर रही थी, वहां तक गलत है, क्योंकि जब एक बार उन लोगों को नहीं वो करा जाएगा, मैडम कह रही थी कि अपने विचार रहते हैं और वो बाद में जाके तय हो जाते हैं, ऐसा नहीं है, ये विचार जो बनते हैं वो कॉलेज और इससे ही बनते हैं और
आगे तक काम करते हैं। तो हमें राष्ट्र विरोधी बात सोचकर, कोई देश ऐसा नहीं है जो अपने राष्ट्र के विरोध में सोचता है। अभी बहस में एक मुस्लिम बैठे थे और उनसे पूछा कि तुम पहले हिंदुस्तान है कि पहले तुम्हारी तुम मुसलमान हो, तो उसने कहा पहले मैं मुसलमान हूं तब हिंदुस्तान हूं। जब इस तरह की विचारधारा होगी तो देश के लिए कैसे कोई राष्ट्र के लिए सोच पाएगा। ऐसे में जापान के एक बालक की कहानी याद आती है जो कहता है कि अगर मेरे राष्ट्र और के बीच में मेरा भगवान भी आएगा तो मैं भगवान से लड़ लूंगा लेकिन मेरे राष्ट्र की रक्षा करूंगा, राष्ट्र की रक्षा पहले जरूरी है, और मैं अपने ऐसे भगवान को भी मार दूंगा जो मेरे राष्ट्र। तो ये दो सिरे हैं राष्ट्रवाद के। प्रकाश जी, इस पे सोशल मीडिया पर बहुत बहस चली और सारे सोशल मीडिया के वीर जिनको केवल अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके राष्ट्रवाद पर फप्तियां, नारे, जुमले, कोटेशन जो भी कहने हो, ऐसे में जावेद अख्तर साहब जो इतने जहीन इंसान, पढ़े लिखे इंसान, इतनी कविताएं, शायरियां लिखी हैं, बड़े बड़े बेहतरीन गाने लिखे हैं, वो कह देते हैं कि हार्डली लिटरेट। तो ये कहां तक उचित था? जब जावेद अख्तर साहब का ये ट्वीट मैंने देखा कि हार्डली लिटरेट, उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में कहा, हमारी बहुत सारी प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में, तो मैंने गूगल पे जाके सर्च किया कि जावेद अख्तर साहब की डिग्री क्या है। मुझे आधा घंटा लगा, मुझे ये नहीं मिला कि उनकी डिग्री क्या है, एक बात। दूसरी बात, ये जो लड़की गुरमेहर है, बच्ची है जो भी है, हर साल उसके पुराने सारे ट्वीट देखे, दो साल से 14 अगस्त को वो पाकिस्तान को आजादी की मुबारकबाद देती है, 15 अगस्त को भारत को मुबारकबाद नहीं देती, ये मुझे बहुत अखरा। तीसरी बात मुझे बहुत बुरी लगी, वो मैंने टीवी में देखा जब दाम जैसे जुलूस निकल रहा था और आगे बैनर चल रहा था, हम भारत को माता नहीं बनने देंगे। अब मैं पूछूं दिव्या जी, वीना नागपाल जी आपके कौन है, तो क्या दिव्या जी ये कहेंगे कि ये मेरे पिताजी की बीवी हैं? वो यही कहेंगे कि मेरी माँ है? हम अपनी माँ को अपनी माँ ही कहेंगे, क्या कहेंगे? तो ये चीजें जो है, ये अब राजनीति का स्तर कितना, एक राष्ट्रवाद को एक गंदा शब्द हमने बनाने की कोशिश की है। जैसे गांधी जी की हत्या के बाद हिंदू एक अपवित्र शब्द बन गया था, बड़ी मुश्किल से उस शब्द को रिवाइव किया जा सका है कि हिंदू, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुओं को कहा कि हिंदू मतलब घृणित व्यक्ति, उसी तरह राष्ट्रवाद एक घृणित शब्द बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई अपने आप को राष्ट्रवादी ना कहे। और यहां मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को राष्ट्रवादी होना चाहिए और हम सब राष्ट्रवादी हैं, कोई हमें कुछ भी कहे, और हमारे भीतर जो विवाद मतभेद चल रहे हैं मैं उन्हें भी गलत नहीं मानता, चाहे कन्हैया कुमार, हम उस देश के वासी हैं, उस भारत माता की संतान है जहां हमें ये आजादी है कि हम अपने बड़े भाई को कह सकते कि बड़े भाई तुम गलत कर रहे हो, बाकी किसी सऊदी देश में आप ये नहीं कह सकते, तो हमें इस पर गर्व है और राष्ट्रवादी तो हम हैं ही। जावेद अख्तर और शबाना आजमी जैसे जितने तमाम ये तथाकथित बुद्धिजीवी हैं, जब कश्मीर का जेनोसाइड हो रहा था तब ये लोग कहाँ थे? तब इनका ह्यूमन राइट क्यों नहीं जागा और तब इन्होंने तब अपनी आवाज मुखर क्यों नहीं करी और ये तब सपोर्ट कर रहे थे? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये लोग सपोर्ट कर रहे थे। तीसरी बड़ी बात है कि एबीवीपी से डरने की बात तो कहती है, एएसआई से डरने की बात क्यों नहीं कहती वो लड़की? सिर्फ एबीवीपी का नाम क्यों लेती है वो? ऐसा क्या हुआ था जो एबीवीपी की लड़की के कपड़े फटे, उसके भी कपड़े फाड़े गए, उसको भी मोलेस्ट किया गया, मीडिया उसको नहीं दिखाना चाहता, सिर्फ गुरमेहर कौर को दिखाना चाहता है क्योंकि वो सुनियोजित षड्यंत्र है, उसको दिखाया। शाजी अल्मी को भी तीन तलाक के मुद्दे पर बोलने से मना कर दिया गया और वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं बन पाया, इतना बड़ा मुद्दा बनाते नहीं है और बनाना चाहते नहीं है। तीसरी बात ये कि जब आपकी आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, आपकी विचारधारा अलग हो सकती है, आपके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश प्रेम एक ऐसी चीज है, देशभक्ति एक ऐसी चीज है जो किसी भी आइडियोलॉजी से ऊपर होती है। आप ये बात कहकर कि मेरे देश को मैं गाली देता हूं, तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप जाके पाकिस्तान में कहिए, सऊदी अरब में कहिए, चीन में जाके करिए, आपको रातों रात गायब कर दिया जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका क्या हुआ। ये हिंदुस्तान के किसी चौराहे पे खड़े होकर आप बोलते हैं और आपको मालाएं पहनाई जाती है और आपको दोबारा बुलाया जाता है, ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है क्योंकि यहाँ पे हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को इस गलत ढंग से इस निचले स्तर पर लेकर आ जाएंगे, ये हमने कभी नहीं सोचा था। शंकर गर्ग जी, तो क्या हमने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का कुछ ऐसा मजाक बना दिया कि कोई भी देश को गाली देकर चला जाएगा और उसके बाद में हार पहनाकर सेमिनारों में स्वागत होंगे, या हम इसको देखने की दृष्टि गलत अपना रहे हैं और ये इतने अतिवाद का मामला नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि हम देश को गालियां दें या देश के टुकड़े करने की बात करें या देश को बेचने की बात करें। कोई भी व्यक्ति ऐसी बात करता है तो वो गलत है। और जहाँ तक रामजस कॉलेज का सवाल है, तो सेमिनार में
किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना ये एक प्राचार्य की एक या मैनेजमेंट क्योंकि आप भी इस पद पर लगातार रहे और इस जिम्मेदारी को बेहतर समझते हैं। एक ऐसी विडंबना रहती है कि वो ना मतलब एक तरफ खाई एक तरफ कुआ ना निकलते बने ना उगलते बने ऐसा है। विरोध दर्ज कर लिया गया सदन तो प्राचार्य को मतलब एक तुष्टिकरण की नीति अपनाता हो पर उस तुष्टिकरण सर एक अध्यापक और प्राचार्य होने के नाते एक सवाल और आपकी बात समझ में आ गई कि बड़ी दिक्कत रहती है तो पर आप ये बताइए कि कॉलेज के कैंपस में इतना अधिक राजनीतिक दखल पुलिस का आना लगातार नेशनल मीडिया पर कॉलेज के कैंपस को इस तरीके से प्रचारित किया जाना कि लोग ये कहने लग जाए कि रामजस कॉलेज जो 100 साल पुराना कॉलेज है JNU जो इतना पुराना कैंपस जो इतना प्रसिद्ध के वो अचानक से एक विलन की तरह पेश हो जाए। आप एक प्राचार्य और प्राध्यापक के रूप में क्या सोचते हैं कॉलेज कैंपसों का इस तरह से प्रस्तुतिकरण चित्रण? कैंपस में पुलिस आजकल बिना बुलाए आती, वो जमाना गया जब कलेक्टर भी पूछता था प्रिंसिपल से कि क्या मैं अंदर आऊं। पहले तो आ नहीं पाती थी, हमारे जमाने में भी नहीं आई कभी। आजकल ऐसा नहीं होता है और कई बार प्राचार्य तो फोन नहीं करता किंतु दूसरे कई लोग फोन कर देते हैं पुलिस पहुंच जाती है। पहले तो सर छात्र संघ के नेता या जो छात्र संघ में नहीं भी हैं उनका लेकिन कम से कम इतनी बात होती थी कि कैंपस में उनके बिना पुलिस पैर नहीं रखती थी। छात्रों का खुद का भी इतना रुतबा होता था, रिस्पेक्ट होता था, बच्चे उनके सामने इतना नहीं चिल्ला पाते थे। लेकिन अब वो लिहाज वो रुतबा कैंपस की चार दीवारी का वो सम्मान शायद खत्म हो रहा है। उस प्राचार्य की ये समझता हूँ कि वो 28 फरवरी को रिटायर हो रहा था, 28 फरवरी को रिटायर भी हो गए और उसके बावजूद उसे मतलब उसको कल्पना भी नहीं होगी कि मेरे को इतना बड़ा विवाद हो गया। आप उनका दर्द बेहतर समझ सकते हैं। अग्रवाल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे वरना मैं तो मुझे लगता है बहुत सारे विचार आ गए। लाइए माइक्रोफोन सुरेश एक आखिरी बात की। हाँ आप खत्म कर लीजिए जल्दी। जैसे मैं होलकर कॉलेज का प्राचार्य था तो मैंने कलाम साहब को एक बार लेक्चर के लिए बुलाया, आज से 5 साल पुरानी बात है। तो कलाम साहब सरीखा व्यक्ति आ रहा उसमें 10,000 व्यक्ति मौजूद थे किंतु कुछ लोग नाम नहीं लूंगा वो कहने लगे साहब कलाम साहब के साथ हम भी मंच पे बैठेंगे। तो मैंने कहा उनका प्रोटोकॉल है 7 लोगों से 8वां नहीं पहुंचेगा। तो उनका ये कहना था सर आप नीचे बैठ जाना हम तो ऊपर बैठेंगे। अरे बाप रे क्या? तो ये बड़ी दिक्कत होती है। उनको मैंने नहीं बिठाया तो उसका ये हुआ कि 20 दिन में मेरा ट्रांसफर होकर कॉलेज से हो गया। तो ऐसी कई अरे बाप रे मंच पर बैठा तो तलवार की धार पर चलना होता है, कांटों का ताज पहनता है एक प्राचार्य। और अगर एक प्राचार्य जो हमारा आचार्य है वो इतना मजबूर है तो उसके नीचे छात्रों की तो हम क्या बात कहें। तो ये कठपुतलियों को हिलाने वाले हैं वो ज्यादा जिम्मेदार हैं और हम सब इसके विक्टिम। एक आखिरी 30 सेकंड में दे रहा हूँ, बात थोड़ी सी लंबी हुई है लेकिन हमने कोशिश की है कि गंभीरता से बिना आवाजों की टकराहट के सभ्यता के साथ हम इस बातचीत को रखें। सबने अपने विचार रखे, आखिरी 30 सेकंड में दे रहा हूँ तिवारी जी। हाँ 10 सेकंड, बहुत अच्छी बात। कुल मिला के जो प्रतीत होता है ऐसे मेरा मानना है कि ये पूरा का पूरा जो मसला है मेहर का, ये किसी न किसी तरह से वेल प्लान्ड षड्यंत्र का हिस्सा है। वेल प्लान्ड षड्यंत्र नंबर वन, और इसमें कहें कि अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र ना हो इसको देखना पड़ेगा। तो ये एक बात लगातार कुछ और लोगों ने भी कही, प्रकाश जी भी वही कह रहे थे, राधेश्याम जी ने भी कही। कुल मिलाकर बात यह है कि कोई 20 साल की लड़की अगर एक पोस्टर लेकर कहती है कि उसे ABBP से डर नहीं लगता तो उस डर के पीछे कुछ और आवाजें सुनाई देती हैं। इस रामजस वाले पूरे मुद्दे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो विवाद हुआ था जिसमें भारत के टुकड़े हो जाने तक के नारे लगे थे उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दी और उसी प्रतिध्वनि का ये परिणाम था कि वो लगातार मीडिया में भी गूंज रहा है, उस पर लगातार आलेख लिखे जा रहे हैं। दरअसल उसके थोड़ा सा और हम गहरे में जाएं तो टकराव विचारधाराओं का है। एक वामपंथ की विचारधारा है और एक दूसरी विचारधारा है राष्ट्रवाद की, दक्षिण पंथ भी कह लें जो भी कह लें। और इन विचारधाराओं के टकराव में बीच में जो लोग आ रहे हैं वो शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इन विचारधाराओं की गहराई क्या है, इन विचारधाराओं के उद्देश्य क्या है। जो कॉलेज में 3 साल पढ़ने जाता है उस कॉलेज के कैंपस में शायद उसको एक थोड़ा सा विचार मिलता है और उसको उठाकर वो शायद अंगीकार कर लेता है, उसके बाद वो अपने भविष्य की राह पर चले, उसका रोमांस उस विचारधारा के साथ वहीं खत्म हो जाता है जब तक कि उसको राजनीति में या उस विचारधारा में आगे भविष्य न बनाना हो। लेकिन उसकी परिणति ये होती है कि आजकल सोशल मीडिया है जो आवाज़ों को बढ़ाता है, एम्पलीफाई करता है, जैसे माइक की आवाज़ पहुँचाने के लिए एम्पलीफायर लगे होते हैं वैसे सोशल मीडिया एक ऐसा एम्पलीफायर बन गया है जो पहले चीज़ें दब छिप कर या स्थानीय अखबारों में छपकर खत्म हो जाती थी वो अब स्थानीय अखबारों का नहीं अंतर्राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बन गई है। दो बड़े मुद्दे हैं इस पूरी बहस में, एक है राष्ट्रवाद और दूसरा है विचारधारा और युवा। तो राष्ट्रवाद जो है वो दरअसल कोई बहुत नया विचार उस संदर्भ में नहीं है कि यूरोप में जब बहुत सारा दमन शोषण हुआ राजा का और चर्च का तो उसके खिलाफ
फ्रांस में एक शब्द आया था नेशियो, नेशियो से बना नेशन, और उस नेशनलिज्म से राष्ट्र राज्य की अवधारणा ने जन्म लिया, और उसी राष्ट्र राज्य पर हिटलर और बहुत सारे लोगों ने भी काम किया, इसलिए वो नेगेटिव में भी गई। लेकिन उसी राष्ट्र राज्य की कल्पना को सामने रखकर जब महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी, तो भारत एक राष्ट्र के रूप में फिर से साकार हुआ। राष्ट्र के रूप में शायद वो चंद्रगुप्त के समय भी था, अशोक के। ये बहुत सारी लंबी बहस के मुद्दे हैं। सवाल यह है कि इस राष्ट्र राज्य की बहस में जब युवा शामिल होता है, आज हमने डॉक्टर ओम नागपाल साहब की पुण्यतिथि पर उनको याद करते हुए बहस रखी है, उन्होंने मुझे एक वाद विवाद का विषय था युवाओं को लेकर, तब फ्रांसीसी लेखक है रेजिस द ब्रे, रेजिस द ब्रे की एक पुस्तक दी थी, उसमें रिवोल्यूशन एंड रिवोल्यूशन उस पुस्तक का नाम था, और उसमें एक बहुत अच्छी पंक्ति थी जिसको कोट किया था मैंने उस वक्त, और नागपाल साहब ने उस पंक्ति के बारे में बहुत विस्तार से बताया था, क्योंकि उनकी स्मृति में बात कर रहे हैं उसी से बात में खत्म करना चाहूंगा। उसमें लिखा था कि बायोलॉजी एंड रिवोल्यूशन रन्स पैरेलल, मतलब क्रांति और जैविकी साथ साथ चलते हैं। इसका मतलब यह है कि कोई क्रांति हो सकती है तो वो युवा ही कर सकता है, क्योंकि जैविकी उसके साथ है, लेकिन जैविकी उसके साथ अगर है तो क्या विचार, संस्कार और संस्कृति उसके साथ है जिसके मंच पर खड़े होकर वो इस क्रांति को अंजाम दे सकता है? ये सोचने वाली बात है। इसी के साथ आज की इस बहस को हम यहाँ खत्म करते हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस तरह का ये विचार यज्ञ लगातार चलता रहे और आप तक पहुंचता भी रहे। खास तौर पर हैचवे बीटीवी और वेब दुनिया ने प्रयास किए हैं कि जो लोग यहाँ पर इस सभागृह में मौजूद नहीं भी हैं वो इस विचार से, इस विचार मंथन से जुड़े और अपनी बात भी वो लगातार इन मंचों पर रख सकते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर भी मौजूद रहेगी। आप सबको धन्यवाद।